सोमवार को सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं, जहां बड़वाह के निर्मल विद्यापीठ का परिणाम पूर्व वर्षों की भांति जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा। विद्यालय के छात्र विभोर रजनीश पांडे ने कहा कि 12वीं के विज्ञान संकाय में 96.2 अंक हासिल कर संपूर्ण जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विभोर ने जहां अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिवारजनों तथा संपूर्ण निर्मल विद्यापीठ परिवार को दिया, तो वही विद्यालय प्राचार्य आशीष झा ने कहा कि विभोर के सतत प्रयास का श्रेय उनके पालक तथा परिवारजनों को भी जाता है, जो सतत विद्यालय स्टाफ के संपर्क में रहकर विभोर की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में अध्ययनरत 34 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्यालय निदेशक प्रतीक ने विभोर और उनके परिवारजनों सहित संपूर्ण स्टाफ को बधाई दी है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारा संपूर्ण स्टाफ, विद्यालय के बच्चे और स्पेशली जो ऐसे पालक हैं जो विद्यालय से सतत संपर्क में है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उच्च रिजल्ट हासिल करने के लिए। क्योंकि मैं सभी पालकों से हमेशा यही आग्रह करता हूँ कि यदि आपने विद्यालय से बच्चे की प्रगति संबंधी चर्चाएं समय समय पर करते रहे हैं, उनके टेस्ट के मार्क, उनके द्वारा जो कंटेंट विद्यालय में डिलीवर किया जाता है उसके आधार पर रेगुलर क्या बच्चे की ग्रोथ हो रही है उस पर संपर्क करें, तो उसका परिणाम आपको लगातार मिलेगा। और लास्ट ईयर भी मिला है, इस वर्ष भी मिला है, और विद्यालय स्टाफ और विद्यालय के तरह तरह के प्रयास हैं वो हमेशा इस चीज़ के लिए अग्रणी रहेंगे और इसका प्रयास करते रहेंगे कि ये जो एक प्रक्रिया चली है चलती रहे। निर्मल बाकी स्कूलों की तुलना में क्या हटके दे रहा है जिसके कारण उसके बच्चे हर साल टॉप पे आ रहे हैं? सर, हम बच्चों के लिए क्या है, सबसे पहले तो उनका रेगुलर बेसिस कंटेंट के आधार पर जो टेस्ट है उसके आधार पर, दूसरा CBSE या जो बोर्ड के आधार पर जो एग्ज़ाम्स होती हैं उस एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के आधार पर बच्चों को हर महीने रिविज़न अलग से प्रदान करते हैं। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे बालक विभोर ने जो उच्च अंक हासिल करें उनका, हमारे लिए कभी भी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई समय निर्धारित कोई रहा ही नहीं है। अगर बच्चे को लग रहा है कि हमें कोई डाउट है तो हम उसे बोलते हैं कि आप आज रुको, आपका डाउट क्लियर करो जो आज पढ़ाया गया है, जिसके लिए कोई टाइम निर्धारित टाइम बाउंडेड स्टडी नहीं है। हम टाइम से हटके भी बच्चों को कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। मेरा अभी CBSE रिजल्ट आया है, उसमें मेरे 96.2% आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन है बायो ग्रुप में। तो मैंने पढ़ाई स्कूल से शुरू की थी और स्कूल में टीचर मेरे साथ रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया और आखिरी में मैंने टेक्स्ट बुक पे बहुत फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरे को अचीव करने में जो है सहायता मिली। कैसे आपकी प्लानिंग रहती थी पढ़ाई को लेकर, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? प्लानिंग जैसे 6 से 8 घंटे तक मैं पढ़ाई करता था और मेनली मैं टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करता था, घंटे पे उतना ध्यान नहीं देता था, और मेरे डाउट क्लियर करने के लिए मैं समय समय पे स्कूल पे संपर्क करता रहता था। कोई कोचिंग लिए अपन ने या किनका योगदान रहा अपने एजुकेशन में? नहीं, कोचिंग की जरूरत लगी नहीं, वैसे वो टाइम की बर्बादी जो होती है, तो मैं स्कूल के साथ जुड़ा हुआ था वही बहुत था मेरे लिए। सोशल मीडिया पे आज के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, आपका कैसा शेड्यूल रहता था उसमें? सोशल मीडिया में ज्यादा चलाता नहीं था, वैसे आधे से एक घंटे तक बस, उससे ज्यादा मैं उसको करता नहीं था कुछ। क्या प्लानिंग है आपका, क्या टारगेट है फ्यूचर में? अब इसके बाद मैं नीट देके MBBS करने का वो रखता हूँ, अब देखते हैं नीट के स्कोर के ऊपर। निर्मल स्कूल का क्या योगदान रहा आपके एजुकेशन में? निर्मल विद्यापीठ मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा पूरे इस एक साल की जर्नी में, और मैं समय समय पर यहाँ के जो टेस्ट थे उसको भी देता रहा, जिससे मुझे बहुत सहायता मिली।